वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जो आपको क्लास 10th आईटी का थर्ड पार्ट है फुल सॉल्यूशन वाला उसे प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मतलब कि जो 7 नंबर के क्वेश्चन थे उसके हिसाब से आंसर की ओर। मैं यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आप देख लीजिए। एंड गाइस, वीडियो थोड़ा लेट हो गई है उसके लिए सॉरी। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन 12-13 नंबर पर जो क्वेश्चन था आपका, बेस यूजर इंटरफेस के मेन्यू को लिखिए, मेन्यू बटन को लिखिए। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है। बेस यूजर इंटरफेस के मेन्यू आइकॉन को लिखिए। सो उस पर होता है टाइटल बार। जी, मैंने आपकी बुक से निकाला है आईटी की। सो फुल राइट आंसर है, आप बिना किसी डाउट के इस आंसर को लिख सकते हो। इसमें पहला टाइटल बार, क्योंकि ये आंसर जो है आपका 7 नंबर का था तो आपको ऑलमोस्ट ये पूरा लिखना होगा। टाइटल बार एक डेटाबेस का नाम है और एक एप्लीकेशन प्रदर्शित करता है जिसमें इसे बनाया जाता है। विंडो बटन अधिकतम कम करने या बंद करने के लिए टाइटल बार के दाहिने कोने पर स्थित है। मेनू बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार एंड डेटाबेस पैन। ओके गाइस, सो आप इसे पाउज करके लिख भी सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो गाइस हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका, स्प्रेड शीट शेयर करना। ओके गाइस, क्वेश्चन था स्प्रेड शीट कैसे शेयर करते हैं। तो स्प्रेड शीट शेयर करना इसमें है खास लोगों के साथ या लिंक के साथ इस्तेमाल कर शेयर करना। तो आपको हेडिंग डालनी होगी, ऊपर ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल देना कि खास लोगों के साथ या लिंक का इस्तेमाल करके स्प्रेड शीट शेयर करना, करके शेयर करना नहीं, इस्तेमाल करके स्प्रेड शीट शेयर करना। देन आप प्रक्रिया में लिख सकते हैं, पहली प्रक्रिया ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ भेजे पर क्लिक करें। देन आप सेकेंड हेडिंग डालिएगा, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी बड़ा होगा, तभी आपको 7 नंबर मिल पाएंगे। लिंक का इस्तेमाल करके शेयर करना नहीं, लिंक का इस्तेमाल करके स्प्रेड शीट शेयर करना। सो लिंक का इस्तेमाल करके शेयर करना में आप भी प्रक्रिया लिख सकते हो, फाइल खोलें और शेयर करें पर क्लिक करें, ऊपर दाईं ओर शेयर किए जा सकने वाले लिंक पर क्लिक करें, जिसके पास भी लिंक हो आगे डाउन एरो पर क्लिक करें और एक्सेस वह लेवल चुनें जो आप लोगों को देना चाहते हैं। लिंक को कॉपी करके ईमेल में चिपकाएं या किसी ऐसी जगह पर चिपकाएं जहां उसे शेयर करना चाहते हैं। सो गाइस, आपको कुछ इस टाइप से इसे लिखना होगा। ओके, सो देन गाइस, स्प्रेडशीट को शेयर करने के आंसर लिख लेने के बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 नंबर के लिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। जिसमें पहला था कि एनालिसिस, व्हाट इज एनालिसिस, एंड सेकेंड था गोल सेट। तो जो फर्स्ट था व्हाट इज एनालिसिस, तो उसका आंसर आपके सामने है। आपको इस सारा का सारा अपनी कॉपी पर उतार लेना है। पहला आप इतना लिखिएगा, ओके सॉरी, ओके गाइस थोड़ा समथिंग, पहला आपको इतना लिखना है। ओके, यद्यपि मूलता से लेके किया जाता है, आप भी डिपाउज करके इसे लिख सकते हो। ओके, देन इतना लिखने के बाद, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको एनालिटिक कारण थोड़ा और लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके ये। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इस पर सेकेंड, वो था गोलसिक की परिभाषित कीजिए। तो गोलसिक एमएस एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो बार बार मान बदलकर किसी गणना को तब तक करने में सक्षम है जब तक कि इच्छित परिणाम न निकल जाए, जिसे इस विधि द्वारा गोलसिक परिणाम की प्राप्ति करता है, उसे ट्रायल एंड एयर भी कहा जाता है। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके इतना और लिखना है, यह सामान्य से लेके निम्नलिखित चरणों का पालन करें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका, संचार के विभिन्न संकेतन को उदाहरण के साथ लिखिए। तो संचार के जो 5 बोले गए थे आपको, 5 उदाहरण, तो 5 उदाहरण आपके सामने हैं, 5 संकेत और 5 उदाहरण। आपको सिंपली इनमें से कोई भी 5 लिख लेने हैं। ओके, मान लो हम ये लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको इनमें कुछ एक दो उदाहरण लिखनी होंगी, जैसे आपके यहाँ आपने फर्स्ट लिखा निर्माणाधीन, और ये जो उदाहरण हैं गाइस, ये चित्र हैं जो सारे, इन चित्र डायग्राम को आपको जरूर बनाना है, क्योंकि उदाहरण यही हैं। ओके, उदाहरण यही है, आपको संकेत मिलते से लिखा है आपने निर्माणाधीन, तो आप लिख दीजिए सामने निर्माण का कार्य चल रहा है, और जो भी है से नो पार्किंग जोन, तो सामने के स्थान पर आप पार्किंग नहीं कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था आपका, वो था कि
सो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, इमेज को कॉपी और पेस्ट करने की विधि का उपयोग करके लिखिए। सो जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है। सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को लिख लेना है। देन इस पैराग्राफ को लिखने के बाद आपको चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, देन चरण थर्ड, चरण फोर्थ एंड चरण फिफ्थ को लिख लेना है। ओके गाइस, एंड चरण सिक्स भी है इस पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चरण सिक्स तक लिख लेना है आपको, और देन ये छोटा जो तीन लाइन का पैराग्राफ है आप ऐसे लिख लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप डेटाबेस में डेटा फील्ड को जुड़ने की प्रक्रिया लिखिए। सो उसका आंसर आपके सामने है, आप इसे उतार सकते हैं जैसे कहते हैं। ऐसा पूरा पूरा आंसर राइट है। आप चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड, चरण फोर्थ, फोर्थ इतने चरण हैं, आप इन चार चरण लिख दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए। यदि आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो।